अपराध नियंत्रण में रांची पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल हुई है और इस अपराध का अनुसंधान करते हुए रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने इसका उद्भेदन करते हुए विभिन्न जानकारी दी है। ऐसे में इन जानकारियों के बीच कई ऐसे मामले थे जिनका उद्भेदन करते हुए आज सबसे बड़ी घटना जिसमें कई थाना क्षेत्र से अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कई आपत्तिजनक सामान वस्तुएं लैपटॉप जैसे सामग्री बरामद हुए हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि रांची भी राजधानी कह सकते हैं, राजधानी रांची में भी एक बड़ी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए रांची के एसपी साहब जी हैं। सौरभ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बात करेंगे कि आज रांची पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, कैसे देखते हैं ये, कुछ क्या कुछ मामला था और क्या कुछ इसमें गिरफ्तारी हुई है? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने आप मेरे पास आए और हमारे साथ यह कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, पुलिस की जो जिम्मेवारी है उसमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है अपराध नियंत्रण, और इसको लेकर के हम लोग काफ़ी सजग और सचेत रहते हैं। और इसी क्रम में हम लोगों ने अभी जो यह कांड हुआ था कुछ दिनों पहले, अगर आपको याद होगा तो छठ के समय कई घरों में गृह भेदन की घटना जो है रिपोर्ट की गई थी, उसी को लेकर के विशेष दल का गठन किया गया था। उस दल के द्वारा जो है उसमें भी 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई और कई जो गहने हैं और लैपटॉप और मोबाइल इत्यादि जो है उसमें बरामद किए गए। पूरी अगर हम अपराध नियंत्रण की बात करें अगर, तो मुख्य रूप से दो बिंदु मुझे समझ में आता है जो कि हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। एक तो चूंकि हमारा मुख्य काम है अपराध नियंत्रण, तो हमारा यह प्रयास होता है कि अपराध हो ना, वो बेस्ट केस सिनेरियो होता है। इसके लिए हम लोग कई तरह की चीज़ों को करते हैं, जैसे हम लोग जगह जगह पे सीसीटीवी जो है नए नए इंस्टॉल करवाते हैं, लोगों के माध्यम से लोगों को जागरूक करके सीसीटीवी जो है नया इंस्टॉलेशन हम लोग करवाते हैं। इसके अलावा जो भी जेल से छूटे अपराधकर्मी हैं उनका हम लोग रेगुलर वेरिफिकेशन करते हैं ताकि वैसे अपराधकर्मियों पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाए। इसके अलावा जहाँ भी अपराध होते हैं वैसे स्थानों को हम लोग चिन्हित करते हैं, और हमारे जितने PCR हैं, टाइगर वगैरह हैं, वैसी जगहों पर हम रेगुलर पेट्रोलिंग कराते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अपराधियों में एक मैसेज जाए कि यह जो क्षेत्र है बराबर यहाँ पुलिस व्यस्त रहती है, तो अपराध जो है यहाँ पे करना जो है घाटे का सौदा उनके लिए। सौरभ जी, जैसा कि रांची पुलिस तो हमेशा से सक्रिय रहती है, ऐसे समय पर समय समय पर अभियान भी चलाती रहती है, बावजूद आजकल के जो चोर है, जो अपराध किस्म के लोग हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, ये डिजिटल हो गए। जैसा कि नज़ारा भी है, SSP साहब ने भी बताया कि कुछ लैपटॉप्स है, कैमरा है, चाकू तेज करके, मतलब इस तरह से, तो पुलिस डिजिटल होकर के कैसे काम कर रही है इनके पीछे ताकि ऐसे अपराध रुक सके? देखिए, निश्चित रूप से जैसे जैसे अपराध का की प्रकृति जो बदलती है, अपराधियों का कार्य करने का तरीका भी जो है वह बदलता है। जहाँ तक अपराधियों के डिजिटल होने की बात है, तो जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि जो मुख्य इन लोगों का एक तरीका होता है, अब जो पहले कि मोबाइल का प्रयोग जो है ये लोग नहीं करते हैं, या फिर जब भी करते हैं तो व्हाट्सएप कॉलिंग और ये सब करते हैं, तो उसमें हम लोग जो अपने हमारे सोर्सेज होते हैं या हमारे पास जो टेक्निकल सूत्र हमारे पास होते हैं उसके आधार पे हम लोग इसमें कार्रवाई करते हैं। और आप देखेंगे जो केस अभी हाल में हुआ था, इसमें हमारे पास कोई भी सूत्र जो है घटनास्थल से नहीं मिला था, उसके बावजूद जो हम लोगों ने घटना को तकनीकी और मानवीय सूत्रों के आधार पर उद्भेदित किया है। तो मुझे लगता है कि अगर चोर अपनी या अपराधी अपनी अगर काम करने का तरीकों परिवर्तित करते हैं, तो हम लोग भी उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करते हैं और हम लोग उसमें उद्भेदन करते हैं। बिल्कुल। तो झारखंड की राजधानी रांची, जहाँ से सूबे की दशा और दिशा तय होती है, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पर भी होती है चूँकि आप SP हैं शहर के, तो शहर में क्या कुछ अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं या फिर इसका निष्पादन कितना हुआ है, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, निश्चित रूप से अगर शहर की अगर आप बात करें तो मुख्य रूप से जो चिंतनीय होता है, दो क्राइम जनरली शहरी क्राइम माना जाता है, ये किसी भी बड़े शहर में ज़्यादा देखा जाता है, एक वाहन चोरी और दूसरा छिनतई, जिसको स्नैचिंग हम लोग कहते हैं। तो इसमें हम लोग रेगुलर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हम लोग का जो मुख्य जो वाहन चोरी है, जिससे जनरली कई बार नॉर्मल एक आम जनता जो है अफेक्ट होती है, तो हम लोग उसके लिए रेगुलर हम लोग CCTV इंस्टॉलेशन जगह जगह पर हम लोग करवा रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने विशेष टीम का भी गठन किया है जो कि रेगुलर ऐसे कांडों को देखती है और उसमें गिरफ्तारी भी करती है। अगर हाल ही में देखेंगे तो कल अरगोड़ा थाना क्षेत्र में भी हम लोगों ने बाइक चोरी में गिरफ्तारी की है, इसके पहले भी पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने कई लोगों को बाइक चोरी के कांड में गिरफ्तार किया। तो हम लोग जैसे जैसे हम लोग भी अपना एक MO बनाते हैं कि किस तरह से ये लोग चोरी कर रहे हैं, घटनास्थल को देखते हैं कहाँ चोरी हो रही है, कब चोरी हो रही है, उस आधार पर हम लोग जो है अपनी कार्रवाई जो है
करते हैं। दूसरा छिनतई जहाँ तक है, तो छिनतई में भी हम लोगों का डिटेक्शन जो है इम्प्रूव हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग हॉटस्पॉट एनालिसिस करके और जो पहले जेल गए हुए क्रिमिनल हैं उन पर नज़र रख के छिनतई के कांडों को उद्भेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, तो झारखंड राज्य में जहाँ नक्सलवाद का सफाया करने को लेकर सरकार कृत संकल्पित दिख रही है, ऐसे में झारखंड पुलिस खासकर रांची में भी, राजधानी में भी प्रशासन जो है समय समय पर अभियान के तहत ऐसे अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने की योजना बनाते हुए ऐसे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के प्रयास में है। बावजूद कहीं ना कहीं कुछ छिटपिट मामले ऐसे जरूर मिलते हैं जो कि पुलिस के लिए चुनौती होती है, लेकिन फिर भी उनका समाधान करते हुए आज एक बार फिर से रांची पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब देखना होगा आपराधिक घटनाओं में और क्या कुछ डिजिटल होकर के रांची पुलिस काम करती है और अपराध की घटनाओं पर कितना अंकुश लगाया जा सकता है। अपने सहयोगी विजय कुमार सिंह के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।